हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जब आपको बालों पर मेहंदी लगानी होती है तो आप अपने जो है कपड़ों को इस तरीके से एक एप्रन से कवर कर लें, या फिर आपके पास पुराना कोई कपड़ा हो तो उससे ढक लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम सर्दियों में बालों में मेहंदी लगाते हैं तो हमें उसे कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या उसमें मिलाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये बात जानते होंगे कि मेहंदी जो होती है एक बहुत अच्छा जो है हेयर मास्क होता है मेहंदी, ठीक है। तो बालों का एक तो जो हमारे बालों में वाइट हेयर होते हैं वो इससे कवर हो जाते हैं, और दूसरा जो है सर्दियों के टाइम पे देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, सर्दियों के टाइम पे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब हमारे बालों में डैंड्रफ ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना होता है, उस डैंड्रफ को रिमूव करना होता है। और डैंड्रफ रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मेहंदी में खट्टा मिलाते हैं, यानी कि जैसे दही मट्ठा हो, नींबू हो, ये चीज़ें हम जब उसमें मिलाते हैं, जिनके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना, तो वो लोग दही मट्ठा नींबू वगैरह मिला सकते हैं जब आप मेहंदी का पेस्ट बनाते हो, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेहंदी में जो है अंडा मिलाना चाहिए। अंडा मिलाने से जो है आपके बालों में एक नेचुरल साइन आएगी, बालों को जो है नेचुरल कंडीशनिंग मिलेगी, बालों को प्रोटीन मिलेगा अंडे से, ठीक है। तो अंडा भी एक बहुत अच्छा हेयर कंडीशनर है, आपको बालों में जो है अंडा भी लगाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, बालों में सैम्प, उसमें मेहंदी में सैम्प मिला सकते हो। दूसरा ये जो सबसे अच्छा नुस्खा है, आप जब मेहंदी लगाते हो ना बालों में, आप डायरेक्ट उसे घोल के मत लगाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लोहे का बर्तन लेना है, जैसे लोहे की छोटी छोटी कढ़ाइयाँ आती हैं, लोहे का बाउल आता है, मार्केट में आसानी से जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस बर्तन में अपनी मेहंदी को घोल के रखना है रात को, ठीक है। और जब आप मेहंदी घोलोगे तो उसको सादे पानी में नहीं घोलना, आपको क्या करना है, एक पैन में जो है चाय पत्ती का पानी बनाना है। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय में जैसे हम चीनी डालते हैं, तो बस हमें चाय पत्ती का पानी उबालना है, और कंप्लीट पानी इतना उबालना है कि उसमें हमारी मेहंदी घुल जाए अच्छे से, मतलब चाय पत्ती को खूब अच्छे से उसको उबालने देना है, ठीक है। जब हम चाय पत्ती का पानी बनाएंगे तो उस पानी से जो है हम मेहंदी का पेस्ट बनाएंगे, और उसमें क्या क्या मिलाएंगे, अगर देखो डैंड्रफ है तो हम उसमें दही मट्ठा या फिर नींबू डालेंगे, ठीक है। अगर बालों में ड्राइनेस है तो उसमें हम अंडा डालेंगे, अगर दोनों चीज़ें तो दोनों डाल सकते हो आप, ठीक है। तो अच्छे से इसका पेस्ट बनाओ और पूरी रात भर के लिए उस मेहंदी को भिगाने के लिए छोड़ दो, ठीक है। जब आप भिगाने के लिए छोड़ दोगे तो उस मेहंदी का जो कलर खिलकर आएगा ना, आप देखते रह जाओगे, इतनी अच्छी मेहंदी बन के आएगी, ठीक है। इसके बाद जब आप बालों में जो है लगाने वाले होंगे मेहंदी, तो मेक श्योर कि आपके बालों में ऑयल ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बालों में ऑयल होता है, स्पेशली जो लेडीज होती हैं गाँव में रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ऑयली बालों में ही मेहंदी लगा लेते हैं ना, लेडीज़ों को तेल लगाने की आदत होती है बालों में हर दिन, तो वो लोग ऐसे ही लगा लेते हैं। तो बालों में जब तेल लगा होता है तो मेहंदी का रंग उसमें कभी भी नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने बाल को शैम्पू कर लेना है, कंडीशनर नहीं करना है, ओनली शैम्पू करना है, ठीक है। शैम्पू करोगे आप बालों को, उसके बाद जो है आप मेहंदी चढ़ाओगे, मतलब 100% ड्राई होने पर, ठीक है। उसके बाद मेहंदी चढ़ाओगे तो मेहंदी का जो रंग है ना, इतना प्यारा निकल के आएगा, और इस तरीके से रूट रूट में जब आप मेहंदी लगाओगे तो आपके बालों का कलर भी बहुत सुंदर खिल के आएगा। जब आप तुरंत मेहंदी घोलोगे और तुरंत बालों में लगाओगे तो उनका जो कलर आएगा ना, जैसे सफ़ेद बाल होते हैं तो पता है वो कैसे लगेगा, जैसे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज कलर, बिल्कुल ऑरेंज जाते बाल, वो लगेगा। और अगर आप रात भर मेहंदी छोड़ते हो, वो भी लोहे के बर्तन में, तो तब आपके सफ़ेद बालों का जो रंग है वो एकदम बरगंडी में आएगा, जो कि धूप में बरगंडी और जो है छाया में ब्लैक नजर आएगा। तो ये तरीका है, बहुत अच्छे से इस तरीके से मेहंदी खिल के आती है, और जब आप 15-15 दिन के गैप में इस तरीके से मेहंदी लगाओगे, ये बहुत ही टाइम पुराना नुस्खा है गाइस, बहुत अच्छे से वर्क करता है, आप एक बार ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। पर जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और जो है जब आप 15-15 दिन में इनको यूज़ करोगे ना, जैसे मान लो आपने एक बार यूज़ किया, आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं, तो अगर आपके बाल थोड़ी बहुत ऑरेंज हो भी गए, आप क्या करोगे, एक हफ्ते बाद फिर से इस प्रोसेस को करो, तो आपके बाल जो है ना धीरे धीरे जो है वो पक्के
के रंग के होते रहेंगे, ठीक है। आपको कलर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे होते गाइज, इससे बाल बहुत ही अच्छे होते हैं। आजकल देखो सफेद बालों की कितनी प्रॉब्लम हो गई है सब में, छोटे बच्चों में जो है, टीनेजर्स में और लेडीज में, ठीक है, मतलब बूढ़े में तो होता ही है खैर। पर इस तरीके से आप करोगे आपके बालों में ना, एक चीज आप नोट करना कि आपके बाल में इस तरीके से जब आप मेहंदी करोगे ना, एक तो फ्रिजीनेस खत्म हो जाएगी आपके बालों से, बहुत ज्यादा मतलब वेट वाले आपके बाल हो जाएंगे, सिल्की एंड शाइनी, जैसे हमारे इंडियन हेयर होते हैं ना, जैसे हमारे इंडियन हेयर की पहचान है, वैसे बाल तो लोगों के होते ही नहीं, अब देखने को बहुत कम मिलते हैं क्योंकि केमिकल वाली चीजें लोग आजकल ज्यादा यूज करते हैं, हर चीज में केमिकल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लगाओगे तो आप ध्यान देना, नोट करना, 2 से 3 बार में ही आपको अपने बालों में रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेशली सर्दियों के लिए ये जो नुस्खा है बहुत ही अच्छा है, आपके बालों में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं रहेगी, तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये, आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना गाइस, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहां तक पहुंच गए हो तो प्लीज चैनल पर एक बार विजिट जरूर करना, और वहां पर देखना आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत कुछ नॉलेजेबल हो सकते हैं। तो वीडियो में जो है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और देखिए इस तरीके से एक साइड जो है मेहंदी की एप्लीकेशन हो गई है अच्छे से, अब हम इसी तरीके से दूसरे साइड भी मेहंदी की एप्लीकेशन करेंगे। और इसके बाद जब देखिए हमारे बालों में अच्छे से मेहंदी लग जाएगी, तो इस तरीके से एक जूड़ा बनाकर हम अपने बालों को अच्छे से टक कर देंगे, ठीक है। जूड़ा ऐसा बनाएं कि जो बार बार ना खुले, आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरीके से अच्छे से इसको टक कर देंगे। और उसके बाद जो है कम से कम 5 से 6 घंटे बाद हम इसको वॉश करेंगे, तो हमारे बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट शैम्पू से वॉश नहीं करना, नॉर्मल पानी से वॉश करना है, उसके बाद बालों में अच्छे से तेल लगा देना है, ठीक है। अच्छे से तेल लगा दोगे, उसके अगले दिन आपको शैम्पू करना है, तो मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आएगा।